अभी नवंबर महीने का पहला सप्ताह भी नहीं बीता है, लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों का सफेद होना शुरू हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड के चमोली की। यहाँ की तस्वीरों को देखकर एक अलग ही रोमांच पैदा हो रहा है। एक तरफ जहां बद्रीनाथ धाम में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बद्रीनाथ धाम से आगे वसुधारा में जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है। यहां घूमने आए यात्री जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। यहां तापमान 0 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है, लेकिन इन्हें देख लग रहा है कि बर्फबारी के बीच मानो ठंड गायब हो गई हो। हर कोई मोबाइल के कैमरे में इन पलों को कैद करने में लगा हुआ है, और करे भी क्यों ना, क्योंकि बर्फबारी ही ऐसी हो रही है। लोग सब कुछ भूल बर्फबारी में आनंदित हो रहे हैं। नवंबर में इतनी ज्यादा बर्फबारी आज तक देखने को नहीं मिली थी। यहाँ बर्फबारी इतनी ज्यादा हुई कि जमीन पर 4 से 6 इंच बर्फ जम गई है। बर्फ गिरने से सुबह शाम के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि धूप निकलने के बाद बद्रीनाथ धाम में मौसम सुहाना हो रहा है और लोग भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। अब बात हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की। यहां पिछले 2 दिन से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से यहां सड़कों से लेकर पहाड़ों तक और घरों से लेकर मैदानों तक में बर्फ की मोटी परत जम गई है। आसपास ऊंची पहाड़ियों पर नजर फेरिए, जहां तक नजर ले जाए वहां तक बस सफेद चादर नजर आ रही है। बर्फबारी के बाद न्यूनतम तापमान भी 0 के करीब पहुंच गया है, और आने वाले दिनों में अब इसमें और गिरावट ही आएगी। लाहौल स्पीति के इलाके में ये सीजन की दूसरी बर्फबारी है, लेकिन इसे मौसम वैज्ञानिक वक्त से पहले ही बता रहे हैं, लिहाजा पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए ये रोमांचक भी है, लेकिन तमाम मुश्किलों के साथ।